लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। एक युवती को बलात्कार के शिकायत को लेकर गांव के आदिवासियों ने सशस्त्र अवस्था में दीवान दीघी थाने का को घेर लिया। दोषियों को फांसी का उम्मीद लगाते हुए घेरा बनाएगा भारत जकात माजी परगना दल ने। परंतु बलात्कार के मामले में पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार भी की, बाकी आरोपी फरार है। आज 3:30 बजे जेरा गांव के आदिवासियों ने 1 किलोमीटर रैली करके दीवान दीघी थाना में आए और उनका कहना यह है कि कुछ दिन पहले जेरा गांव के एक युवती को बलात्कार किया गया था। उसके बाद पुलिस के पास जब शिकायत दर्ज करते हैं तो पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। बाद में दो लोगों को हिरासत में लिया गया। आदिवासियों का कहना है कि इस बलात्कार के पीछे कुल 4 लोग जुड़े हुए हैं। আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী নির্যাতনের যে অবিরাম অবিরাম চলছে, এগুলো আমরা প্রতিরোধ করার একটা পদক্ষেপ নিয়েছি। আগামী দিনে এই ধরনের যদি ঘটনা ঘটে আমরা এই থেকে অনেক ভয়ঙ্কর প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেব। ঘটনা হচ্ছে আমাদের জিওড়া আদিবাসী গ্রামের একটা 19 বছরের মেয়েকে সন্ধ্যে 7টা নাগাদ ওই খুঁড়ি নড়িয়ে ওইদিকে নিয়ে গিয়ে তাদের বলাৎকার করা হয়েছে।